पंखा बंद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिया। कल रात जाफ़र नगर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक अमूमी जलसा था, आवामी जलसा था। उस जलसे की तैयारी और कामयाबी के लिए मैं दो रोज़ से जाफ़र नगर के अंदर घर घर मुलाकात का प्रोग्राम बनाया था और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अब तक अपनी जितनी मीटिंग और जलसा हुआ, कल रात का जलसा सबसे ज़्यादा कामयाब जलसा रहा। लेकिन जलसे की इंतज़ामिया में जो लोग थे, उसमें जाफ़र नगर का रहने वाला हमारा वो साथी भी था जो दो रोज़ साथ में चल चल कर घर घर जा कर के लोगों से मुलाकात करवाया। जलसे की तैयारी चल रही थी और वो कुर्सियाँ लगवाना, स्टेज वगैरह का इंतज़ाम करना इस सिलसिले में था। वो मस्जिद नूर पेशाब करने के लिए जाने लगा तो रास्ते में लोग रिक्शा लगा करके खड़े थे, छः लोग थे। उसका मुंह दबा करके उसको रिक्शे में ज़बरदस्ती उठाकर फारान, नए फारान हॉस्पिटल के सामने जो अंदर रास्ता जाता है मस्जिद नमरा की तरफ, उधर मालेगांव से बाहर अंधेरे में ले जा करके उसको बहुत ज़्यादा जदोकोप किया, उसको मारा पीटा और इस तरह की हरकत उन्होंने की। दौरान जलसा हमारे तमाम साथी उसको बार बार फ़ोन करते रहे लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। जो लोग ले गए थे उन्होंने फ़ोन उसके हाथ से ले लिया था। जलसे के बाद वहाँ से वो किसी भी तरह से भाग करके आया और फिर फ़ोन करके इत्तला दी तो हम सब साथी पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन गए और जा करके हमने वहाँ पर कंप्लेन दिए। FIR रजिस्टर हो चुकी है, पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन मैं आपके ज़रिए मालेगांव की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये लोग जिस तरह दादागिरी गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और हमारे तमाम साथियों को अलग अलग वार्डों में जिस तरह धमकी दी जा रही है और उन्हें खौफजदा करके काम से रोकने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शनी जाब्ते के एतबार से ये चीज़ गलत है। हर हिंदुस्तानी को अगर वो इलेक्शन लड़ रहा है या इलेक्शन लड़ने के वाले के साथ है तो उसे प्रचार करने का पूरा पूरा हक है और अधिकार है। ये लोग दादागिरी गुंडागर्दी करके मेरे साथियों को खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस पर तो इत्मीनान है कि उनकी इस हरकत से हमें ही फ़ायदा होगा, लेकिन हम आवाम के दरमियान जा कर के इस बात को बताना चाहते हैं कि ये जो हरकत हो रही है और जिस तरह हमारे साथियों को डराया और धमकाया जा रहा है, काम करने से रोका जा रहा है, इससे इंशाल्लाह हमें फ़र्क तो नहीं पड़ेगा और हम कामयाब रहेंगे। लेकिन ये हरकत शहर के लिए, अहलिया ने शहर के लिए बहुत तकलीफ़ दे है, मालेगांव की बदनामी का ज़रिया है। मालेगांव मस्जिदों, मीनारों, मदरसों, मकातिब कुरानिया और दीनिया का शहर है, दीनदारों की बस्ती है और अक्सरियत इस हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी 2014 में मुसलमानों की है। पूरे मुल्क में जो पैगाम जाएगा यहाँ के इलेक्शन को ले करके वो मालेगांव की बदनामी का सबब बनेगा। मैं डिपार्टमेंट और आला अफ़िसरान से ये गुजारिश करता हूँ कि हमने FIR दे दी है और हमने 24 घंटे का पुलिस डिपार्टमेंट के मांगने पर टाइम दिया है, ये काम हो जाएगा। अगर काम हो जाता है, कार्रवाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो 24 घंटे के बाद हम लोग अपने तौर पर जो करना चाहेंगे डिपार्टमेंट के इल्म में लाकर कानूनी तौर पर हम करेंगे। हमारा प्रोग्राम है कि हम शहर में लोगों के पास जा कर के जुलूस की शक्ल में इसी तरह धरना, गांधी जी के समाधि, गांधी जी के जो है पुतले पर वहाँ धरना दे करके हम लोगों को इससे बाखबर करेंगे और हमारा मुतालबा अगर पूरा नहीं होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आगे के लाए हमल को लेकर आप क्या करना चाहेंगे? जिस तरह आपके वर्कर आप पर मन मिटने वाले हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी माए और पुलिस डिपार्टमेंट और आपकी जिम्मेदारी, ताकि वर्करों का हिम्मत हौसला आगे ना टूटे एक दो केसेस होने के बाद। रात में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी हमारे वर्करों के अंदर, बहुत जोश था और जिन लोगों ने ये हरकत थी की थी वो 6 लोग थे। उनमें 2 लोग ऐसे हैं जिनको मार खाने वाला शख्स पहचानता है और हमारे साथी जा रहे थे, उनका घर तोड़ फोड़ करके जलाने की प्लानिंग की थी, हमने मना किया कि हम लोगों ने हमेशा कानून की पासदारी की है और अगर ये बच्चे किसी के बहकावे में आकर अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो उनकी सज़ा उनके घर वालों को नहीं मिलनी चाहिए, हमने उनको रोका है।
आपका अगला कदम क्या होगा इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेकर के हमने 5 साल में जो काम किया है उन कामों को हम लोगों को बता रहे हैं। आगे हमारा प्रोग्राम ये है कि हमारा ये शहर मुस्लिम अक्सरियती शहर है और एक बड़ा ताल्लुका है जिसमें तकरीबन 3.5 लाख के करीब वोटर हैं और तादाद इसके दुगना से ज़्यादा है। ऐसे शहर के अंदर आज मुसलमानों के लिए तालीमी तौर पर, रोज़गार के तौर पर और समाजी तौर पर जो सहूलियात चाहिए वो मैसर नहीं। आपको याद होगा मैंने असेंबली हाल के अंदर इस बात की डिमांड की थी कि माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज मालेगांव को दिया जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि मालेगांव में माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज आए जिससे यहाँ के नौजवानों को तालीम हासिल करने के लिए बैरून शहर ना जाना पड़े। मालेगांव पावरलूम का शहर है और पावरलूम सिटी टेक्सटाइल सिटी कहलाता है। यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क के लिए 2009 से 14 के दरमियान हमने कोशिश की थी और उस वक्त के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान साहब ने हमसे वादा किया था, लेकिन किसी वजह से वो वादा अपना पूरा नहीं कर सके। तो टेक्सटाइल पार्क पेंडिंग है, मालेगांव में टेक्सटाइल पार्क आना चाहिए, हम इसके ताल्लुक से कोशिश करेंगे। मालेगांव एक ऐसा शहर है जहां इलाज और मुआलजे की वो सहूलतें मुहैया नहीं है जो यहां की ज़रूरत है। हमने सिविल हॉस्पिटल के अंदर 100 बेड का महिला रोगनालय हॉस्पिटल तो मंजूर कर महिला बाल रोगनालय हॉस्पिटल तो मंजूर करवाया है। हम ये चाहते हैं कि उसकी तामीर जल्द से जल्द हो। 100 बेड का हॉस्पिटल है और 76 करोड़ रुपया उसका बजट मंजूर हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि मालेगांव शहर के अंदर अहलिया ने मालेगांव के ताउन से एक मल्टी स्पेशलिटी के लिए और इसी के साथ साथ जो है लोगों के इलाज और मुआलजे के लिए जो बुनियादी सहूलतें हैं, जो ज़रूरी चीज़ सहूलतें दरकार हैं उसको हासिल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारा अगला कदम जो अगर सरकार नहीं गिरी होती महाविकास आघाड़ी की तो माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज के लिए हम बहुत आगे तक जा चुके होते, लेकिन उस सरकार के गिर जाने की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ और हमारा माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज का प्रोग्राम वो रुक गया। हम जीत कर आएंगे तो जीत कर आने के बाद इंशाअल्लाह इस काम को आगे बढ़ाएंगे।